एम फारोक अहमद डारेलकम अगेन फॉर द थर्ड लेक्चर पार्ट थ्री पटेनिंग टू कंपेयरिंग क्वान्टिटीज डियर स्टूडेंट्स इससे पहले आपने दो लेक्चर लिए हैं अब तीसरे लेक्चर में एक और टॉपिक है दैट इज रेशोज टू परसेंट्स अब हम रेशोज को कैसे हम परसेंट्स में दिखाएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई भी मिक्सचर लेते हैं कोई भी मिक्सचर घर पर बनाते हैं तो हम कहते हैं इसमें टू पार्ट्स टू पार्ट्स इसमें राइस है इस मिक्सचर में टू पार्ट्स है राइस और टू पार्ट्स राइस वन पार्ट इज वन पार्ट इज दाल वन पार्ट दाल अब हमें हमने घर पे मिक्सचर बनाया है कोई भी मिक्सचर इसमें राइस और दाल का मिक्सचर राइस मीन्स इसमें टू पार्ट्स राइस है यानी एक पार्ट इसमें दाल है अब हमें देखना होगा कि राइस की परसेंटेज क्या है और दाल की परसेंटेज क्या है पहले हम इसको रेशो में कन्वर्ट करेंगे दैट इज राइस इज टू दाल राइस इज़ टू दाल इट इज़ इक्वल टू राइस का रेशो है टू पार्ट्स और दाल का है वन इट इज़ टू इज टू वन अब हम देखें कि टोटल पार्ट्स क्या है क्योंकि हमें परसेंट में निकालना होगा टोटल पार्ट्स टोटल पार्ट्स मीन्स टू पार्ट राइस के हैं और वन पार्ट दाल के हैं टू प्लस वन दैट इज इक्वल टू थ्री टू प्लस वन दैट इज थ्री टोटल पार्ट अब हमें देखना होगा रेशो इज टू परसेंट अब इस रेशो को हम परसेंट में चेंज करेंगे क्योंकि टू बटा थर्ड अब लिखेंगे हम इस तरह टू डिवाइड बाई थ्री टू डिवाइड बाई थ्री टोटल पार्ट थ्री है इट इज द राइस इट इज द राइस राइस अब यहाँ दाल जो है दाल मीन्स वन डिवाइड बाई थ्री क्योंकि वन पार्ट दाल है तो वन डिवाइड बाई थ्री वन डिवाइड बाई थ्री मीन्स टोटल अब हम इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे परसेंटेज में अब यहां कीजिए परसेंटेज परसेंटेज में टू डिवाइड बाई थ्री परसेंटेज में हम करते हैं मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड क्योंकि परसेंट बनाने में अब थ्री को इससे डिवाइड नहीं होगा तो इट इज़ टू हंड्रेड डिवाइड बाई थ्री जब टू हंड्रेड को थ्री से हम डिवाइड करेंगे इस तरह देर स्टूडेंट्स टू हंड्रेड को हम थ्री से जब डिवाइड करते हैं इट इज़ थ्री सिक्स आर एटीन यहाँ रहा टू नीचे आया ज़ीरो अगेन थ्री सिक्सर एटीन यहाँ आया टू सो इट इज़ इक्वल टू सिक्सटी सिक्स प्लस टू डिवाइड बाई थ्री परसेंट तो सिक्सटी सिक्स डिवाइड प्लस टू डिवाइड बाई थ्री परसेंट हो गया इसमें राइस मीनस टू पार्ट्स मीन्स सिक्सटी सिक्स डिवाइड बाई टू डिवाइड बाई प्लस टू डिवाइड बाई थ्री परसेंट इसके बाद दाल है दाल की परसेंटेज हम निकालेंगे दाल की परसेंटेज तो दाल की परसेंटेज रेशो वन डिवाइड बाई थ्री यानी वन इज़ टू थ्री वन इज टू थ्री को हम वन डिवाइड बाई थ्री को हम मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड सो इट इज़ थ्री से इसको डिवाइड नहीं होगा तो हंड्रेड वन आर हंड्रेड डिवाइड बाई थ्री तो विच इज इक्वल टू हंड्रेड को जब हम इसी तरीके से थ्री से डिवाइड करेंगे जिस तरीके से हमने टू uh, हंड्रेड को थ्री से डिवाइड किया है तो वहाँ आएगा थर्टी थ्री प्लस वन डिवाइड बाई थ्री परसेंट अब चूँकि यहाँ टू इज टू वन टू इज टू वन रेशो था दाल और राइस के दरमियान अब टोटल पार्ट्स हमने निकाले हैं दैट इज़ थ्री फिर हमें टू डिवाइड बाई थ्री हमने परसेंट में चेंज किया है दैट इज़ सिक्सटी सिक्स डिवाइड बाई प्लस टू डिवाइड बाई थ्री परसेंट हो गया राइस इसमें और वन पार्ट होगी इसमें वन पार्ट जो दाल है वन डिवाइड बाई थ्री वन डिवाइड बाई थ्री का रेशो परसेंट जब हमने निकाला है तो थर्टी थ्री प्लस वन डिवाइड बाई थ्री परसेंट होगी इसमें दाल और यहाँ सिक्सटी सिक्स प्लस टू डिवाइड बाई थ्री हो गया इसमें राइस सो इट मीन्स हाउ वी कैन कन्वर्ट द रेोज टू परसेंट हाउ वी कैन कन्वर्ट टू रेशोज टू परसेंट या इस तरीके से अगर हमारे पास हम हमारे पास टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ है टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ तो टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ में हम डिवाइड करते हैं तीन स्टूडेंट में मसलन एक का नाम है रऊफ़ दूसरा का दूसरे का नाम है रईस रहमान रईस रईस एंड रहमान अब यहाँ क्या करना होगा यहाँ टू हंड्रेड फिफ्टी है हम कहते हैं कि रूफ ने फॉर एग्जांपल दो पार्ट्स इसमें से लिए हैं दो पार्ट्स और रईस ने इसमें लिए हैं थ्री पार्ट्स अब यहां रेमा ने इसमें लिए हैं फाइव पार्ट्स फाइव पार्ट्स अब यहां रेशो क्या बन गया इसका रेशो आया इसमें 250 है रुपीस टोटल ये हमने तीन स्टूडेंट में डिवाइड किए हैं रूप, रईस और रहमान में मगर रूप ने दो पार्ट्स लिए हैं रईस ने थ्री पार्ट्स लिए हैं रहमान ने फाइव पार्ट्स लिए हैं अब इनको हम पहले रेशोज़ में कन्वर्ट करेंगे दिस इज़ टू इज टू थ्री इज़ टू फाइव टू इज टू थ्री इज टू फाइव अब ये रेशो हम चूँकि टू इज टू थ्री इज टू फाइव मीन्स टू मीन्स टू पार्ट्स थ्री मीन्स थ्री पार्ट्स फाइव मीन्स फाइव पार्ट्स अब हम इनको इसको कन्वर्ट करेंगे इन टू परसेंट में वो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे पहले इसका टोटल टोटल इसका आएगा पहले हम लिखेंगे टोटल पार्ट्स टोटल पार्ट्स टोटल पार्ट्स मीन्स टू प्लस थ्री प्लस फाइव फाइव प्लस थ्री हो गया एट प्लस टू हो गया टेन तो टेन आ गए टोटल पार्ट्स अब हम रेशो निकालेंगे टू डिवाइड बाई टेन टू डिवाइड बाई टेन इसकी हम परसेंटेज निकालेंगे दैट इज़ इंटू हंड्रेड टेन टेनजर हंड्रेड टू टेन आर ट्वेंटी अब इसने ट्वेंटी परसेंट लिया है यानी रूफ ने ट्वेंटी परसेंट लिया है सो ट्वेंटी परसेंट आप कितना अमाउंट बन गया माइनस ट्वेंटी परसेंट देखेंगे फिलहाल ले लेंगे हम परसेंट में रईस ने थ्री पार्ट्स लिए हैं वो थ्री डिवाइड बाई टेन इंटू हंड्रेड टेन आर हंड्रेड सो थ्री टेनजार थर्टी अब इसने फाइव पार्ट्स लिए हैं फाइव डिवाइड बाई हंड्रेड टेन इंटू हंड्रेड टेन टेन हज़ार हंड्रेड फाइव टेन हज़ार फिफ्टी तो यहाँ इस तरीके से भी बराबर आता है ये देखिए ट्वेंटी परसेंट रूफ़ ने लिए हैं रईस ने लिए हैं थर्टी परसेंट रहमा ने लिए हैं फिफ्टी परसेंट जब हम इनका ऐड भी करेंगे फिफ्टी प्लस थर्टी प्लस ट्वेंटी दैट इज़ आल्सो इक्वल टू हंड्रेड परसेंट तो हंड्रेड परसेंट इस तरीके से हम रेशोज़ को कन्वर्ट करते हैं इनटू परसेंट में रेशोज़ को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू परसेंट में अब हम देखेंगे कि अमाउंट कितना लिया है ये तो हो गया परसेंट अब देखेंगे कि अमाउंट किसने कितना लिया है टू पार्ट्स अमाउंट कितना बनता है थ्री पार्ट्स अमाउंट कितना बनता है फाइव पार्ट्स अमाउंट कितना बनता है तो अमाउंट मीन्स अमाउंट किस तरीके से हम आ, देखेंगे इट मीनस टू डिवाइड बाई टेन Ten, 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 है, दा है, दा, टू डिवाइड बाई टेन चूंकि टू पार्ट्स ने लिए हैं टोटल पार्ट्स टेन टू डिड टोटल रुपीज़ हैं डाई टू हंड्रेड फिफ्टी टू हंड्रेड फिफ्टी में टू हंड्रेड फिफ्टी हम तीन स्टूडेंट्स में हम डिवाइड करते हैं अब यहाँ जीरो एंड जीरो कैंसल फाइव टूज आर फिफ्टी तो फिफ्टी रुपीज़ रूप लेता है अब यहाँ देखिए रईस कितना लेता है थ्री पार्ट्स इट मीन्स थ्री डिवाइड बाई टेन कितने में से थ्री पार्ट्स लेता है टू हंड्रेड फिफ्टी में से तो ज़ीरो एंड जीरो गेट्स कैंसल ट्वेंटी फ़ाइव इंटू थ्री हो गया सेवेंटी फाइव तो सेवेंटी फाइव लेता है अब फाइव पार्ट्स लेता है रहमान फाइव डिवाइड बाई टेन इंटू टू हंड्रेड फिफ्टी जीरो एट जीरो गेट्स कैंसल ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव हो गया वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव तो जब हम इसका भी टोटल करेंगे वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव प्लस सेवनटी uh, फाइव इट इज़ 200 200 टू हंड्रेड इंटू फिफ्टी टू हंड्रेड प्लस फिफ्टी हो गया 250 तो यहाँ इस तरीके से भी टोटल 250 आया है इस तरीके से जब परसेंटेज का टोटल वहाँ 100 परसेंट आया है जब पार्ट्स हम लेते हैं टू पार्ट्स थ्री पार्ट्स फाइव पार्ट्स तो टू पार्ट्स मीन्स ट्वेंटी परसेंट थ्री पार्ट्स मीन्स थर्टी परसेंट फाइव पार्ट्स मीन्स फिफ्टी परसेंट और यहाँ जो अमाउंट आया है वो भी आता है टू हंड्रेड फिफ्टी सो इस तरीके से हमें ये बात समझ में आ जाती है कि हाउ वी कैन कन्वर्ट द रेशोज इंटू परसेंट रेशोज इंट परसेंट अब यहाँ एक और चीज़ इसी कंपेयरिंग क्वान्टिटी में आपको पढ़ना होगा सब टॉपिक लेट अस मूव टूवर्ड दैट टॉपिक दैट इज़ इंक्रीज परसेंटेज एंड डिक्रीज परसेंटेज सो डियर स्टूडेंट्स इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट अब जब किसी चीज में इंक्रीज हो रहा है तो हम कहते हैं कि कितनी परसेंट इंक्रीज हो गई अगर किसी चीज में डिक्रीज हो रहा है तो हम कहते हैं कि इसमें डिक्रीज़ कितनी परसेंट हुई हैं एक तो हमें पता है कि इंक्रीज़ कितना हो गया इंक्रीज मीन्स एडिशन दूसरा यहाँ कहते हैं हम डिक्रीज मीनज सब्ट्रैक्शन यानी कम अगर हम परसेंटेज के हवाले से देखेंगे कि इंक्रीज परसेंटेज क्या है और डिक्रीज परसेंटेज क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल टीम में हम मैच खेलते हैं तो स्कूल टीम ने स्कूल uh, टीम हमारे पास स्कूल की टीम होती है इस साल स्कूल की टीम ने सिक्स मैच वन किए हैं सिक्स मैच सिक्स मैचिस वन यानी स्कूल टीम वन दिस इयर सिक्स मैच यानी सिक्स मैचस स्कूल टीम ने इस साल जीत लिए हैं और अगेनस्ट फोर अगेंस्ट लास्ट ईयर में अगेंस्ट फोर अगेंस्ट फोर मैच फोर गेम्ज वन अगेनस्ट फोर गेमज वन लास्ट इयर लास्ट ईयर में स्कूल टीम ने चार मैच जीत लिए हैं और इस साल स्कूल टीम ने छः मैचेस जीत लिए हैं अब हम देखेंगे कि इंक्रीज परसेंटेज क्या है या डिक्रीज परसेंटेज क्या है पहले हम देखेंगे इंक्रीज इन नंबर इंक्रीज इन नंबर यानी अमाउंट चेंज जिसको कहते हैं इंक्रीज इन नंबर इंक्रीज इन नंबर इंक्रीज इन नंबर मीन्स अमाउंट ऑफ चेंज अमाउंट ऑफ चेंज अमाउंट ऑफ चेंज क्या है अमाउंट ऑफ चेंज मीन्स दैट इज़ इस स्कूल टीम ने कितने मैच टोटल जीते हैं सिक्स लास्ट ईयर कितने मैच जीते हैं टू सो इट मीन्स अमाउंट ऑफ चेंज टू मैच यानी टू मैच अमाउंट ऑफ चेंज है इंक्रीज इन नंबर यानी इंक्रीज इन नंबर नंबर ऑफ विन्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ विन्स जितने कितने मैच इसने जीत लिए हैं इस टीम ने इंक्रीज इन नंबर ऑफ इनस दैट इज अमाउंट ऑफ चेंज अमाउंट ऑफ चेंज मीन्स पिछले साल स्कूल टीम ने छः मैच जीत लिए हैं इस साल छः मैच जीत लिए हैं और पिछले साल चार मैच जीत लिए हैं तो सिक्स में से चार जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ आया है टू मैच अब हमें दिखाना होगा अब हमें निकालना होगा परसेंटेज ऑफ इंक्रीज परसेंटेज ऑफ इंक्रीज क्या है परसेंटेज ऑफ इंक्रीज मींस अमाउंट ऑफ चेंज अमाउंट ऑफ चेंज मींस इंक्रीज इन नंबर ऑफ विंस इंक्रीज इन नंबर ऑफ विंस इंक्रीज इन नंबर ऑफ विंस या हम कहते हैं अमाउंट ऑफ चेंज जो चेंज हो रही है इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ विंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट डिवाइड बाय ओरिजिनल विंस डिवाइड बाय ओरिजिनल विंस और कहते हैं हम ओरिजिनल बेस और कहते हैं ओरिजिनल विंस और हम इसको कहते हैं ओरिजिनल बेस इनटू हंड्रेड यहाँ देखिए दिस इज़ टू चूँकि इंक्रीज इन नंबर ऑफ विंस टू मैच हैं ओरिजिनल हैं सिक्स मैच दो दिस इज़ टू डिड बाई सिक्स ओरिजिनल हैं फोर क्योंकि अगेंस्ट फोर है टू डिवाइड बाई फोर अगेंस्ट फोर गेम्स दैट इज़ इंटू हंड्रेड फोर वन आर फोर फोर ट्वेंटी फाइव इज़ हंड्रेड फिफ ट्वेंटी फाइव इंटू टू हो गया फिफ्टी इट मीनस फिफ्टी परसेंट हो गया इंक्रीज यानी इंक्रीज़ परसेंटेज इंक्रीज़ हो गई फिफ्टी परसेंट यानी जो मैच के दरमियान लास्ट ईयर या इस साल जो इंक्रीज हो गई है वो हो गए हैं फिफ्टी परसेंट इस तरीक़े से हम कहते हैं डिक्रीज़ परसेंटेज डिक्रीज परसेंटेज ये हो गया इंक्रीज परसेंटेज दूसरा होता है डिक्रीज डिक्रीज़ अब डिक्रीज परसेंट क्या चीज है अगर हम देखेंगे कि इलिटरेट परसन डिक्रीज हो रहे हैं 150 हंड्रेड फिफ्टी लेक से हंड्रेड लेक्स इन टेन ईयर्स वन हंड्रेड फिफ्टी लेक्स से डिक्रीज हो रहे हैं टेन लेक्स इलिटरेट परसन टेन लेक्स तक टेन में यानी दस साल में फिफ्टी लेक से डिक्रीज हो रहे हैं इलिटरेट पर्सन की तदाद टेन लेक पर आ जाती है अब पहले हम देखेंगे कि डिक्रीज कितना हुआ है डिक्रीज इन नंबर डिक्रीज इन नंबर डिक्रीज ऑफ इलिटरेट डिक्रीज इन नंबर डिक्रीज इन नंबर हुआ है विच इज इक्वल टू 150 हंड्रेड फिफ्टी माइनस टेन वन हंड्रेड फिफ्टी माइनस टेन यानी वन हंड्रेड फिफ्टी लेक्स थे माइनस हो गया हंड्रेड लेक्स सॉरी इट इज हंड्रेड लेक्स वन हंड्रेड फिफ्टी लेक्स हंड्रेड लेक्स यानी 150 हंड्रेड फिफ्टी लेक्स है डिक्रीज हो रहा है इलिटरेट पर्सन हंड्रेड लेक्स टेन ईयर्स में अब यहाँ क्या है पहले हम देखेंगे डिक्रीज इन नंबर वन हंड्रेड फिफ्टी माइनस हंड्रेड तो वहां हो गया फिफ्टी लेक्स फिफ्टी लेक्स डिक्रीज हो रहे हैं इलिटरेट पर्सन तो अब हम निकालेंगे हम परसेंटेज ऑफ डिक्रीज अब हम देखेंगे परसेंटेज ऑफ डिक्रीज परसेंटेज ऑफ डिक्रीज मीन्स अमाउंट ऑफ चेंज अमाउंट ऑफ चेंज मीन्स डिक्रीज इन नंबर डिक्रीज इन नंबर डिइड बाई औरिजिनल यानी टोटल डिवाइड बाई औरिजिनल अमाउंट डिवाइड बाई औरिजिनल औरिजिनल डाटा और अमाउंट ऑरिजिनल अमाउंट विच इज इक्वल टू इंटू हंड्रेड विच इज इक्वल टू परसेंटेज निकाल डिक्रीज इन नंबर डिक्रीज इन नंबर हुआ फिफ्टी फिफ्टी ऑरजिनल है वन हंड्रेड फिफ्टी इंटू हो गया हंड्रेड चूंकि डिक्रीज हो रहे हैं फिफ्टी यहां देखिए फिफ्टी लेक्स और ऑरिजिनल हैं

सो so, इसको कहते हैं डिक्रीज परसेंट उसको कहते हैं इंक्रीज परसेंट सो ये हो गया एक और सब टॉपिक जब आपको इंक्रीज परसेंट निकालना होगा या डिक्रीज परसेंट निकालना होगा लेट अस मूव टुवर्ड्स अनदर सब टॉपिक दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस डियर स्टूडेंट्स अब हम कंपेयर करते हैं क्वांटिटीज को प्रॉफिट और लॉस के जरिए यानी प्राइस रिलेटेड के जरिए जो चीज़ हम खरीद लेते हैं अगर हम किसी चीज़ को हम बाई करते हैं मसलन कोई भी चीज़ हम बाय करते हैं इसको कहते हैं अगर हम कोई भी चीज़ हमने कोई भी थिंग किया वन थिंग हमने बॉट किया है बॉट किया है सिक्स हंड्रेड रुपीज़ में बॉट किया है सिक्स हंड्रेड रुपीज़ में ये प्राइस के रिलेटेड है सिक्स हंड्रेड रुपीज़ इट मीनस इसको हम मैथ में कहते हैं सी पी कास्ट प्राइज कास्ट प्राइज मीन्स सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड अब इसी चीज़ को हमने सेल किया है सेल मीन्स हमने इसको बेच दिया है हमने इसको सिक्स हंड्रेड टेन में बेच दिया है सो सिक्स हंड्रेड टेन मीन्स एस पी एस पी मीन्स सेलिंग प्राइस सिक्स हंड्रेड टेन चूँकि हम आ, मतलब प्राइस के लिहाज से क्वान्टिटीज़ को कम्पेयर करते हैं प्राइस मीन्स किस तरीके से क्वान्टिटीज़ को प्राइस के लिहाज से हम कंपेयर करते हैं एक तो देखते हैं हम इसमें प्रॉफिट और इसमें देखते हैं लॉस पहले प्रॉफिट और लॉस से पहले हमें देखना होगा जो चीज़ जितने में हमने खरीद लिया है इसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस मैथ में सी पी इसका सिंपल है सी पी सी पी मीन्स कॉस्ट प्राइस अगर हमने कोई चीज़ बाट किया है सिक्स हंड्रेड रुपीज में तो सी पी मीन्स सिक्स हंड्रेड इसी चीज को हमने बेच दिया है फिर हमने जब बेच दिया है तो बेच दिया है सिक्स हंड्रेड टेन में तो वहां आया सिक्स हंड्रेड टेन में आया है सिक्स हंड्रेड टेन दिस इज इक्वल टू एस पी इफ अगर सी पी इफ सी पी लेस देन एस पी अगर सी पी एस पी से कम होगा सी कम होगा एस ज़्यादा होगा तो वहाँ क्या होगा देन यू मेड ए प्रॉफिट वहाँ आया है प्रॉफिट वहाँ आया है प्रॉफिट क्योंकि यहाँ देखिए आप अगर हमने चीज़ खरीद लिया है सिक्स हंड्रेड में बेच दिया है टेन में तो अभी वेस्टली कि यहाँ आसानी से हमें यह बात भी आ, मतलब आ, समझ में आ जाती है कि यहाँ टेन रुपीज़ ज्यादा है तो टेन रुपीज़ मीन्स प्रॉफिट इट मीन्स प्रॉफिट अब यहां मैथमेटिकली क्या है इफ़ सी पी लेस देन एस पी अगर सी पी एस पी से छोटा होगा तो वहां यू मेड ए प्रॉफिट आपने वहां प्रॉफिट हासिल किया तो प्रॉफिट किसके बराबर होता है प्रॉफिट होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी एस पी माइनस सी पी अब देखिए यहां एस पी क्या था सिक्स हंड्रेड टेन सी पी क्या था सिक्स हंड्रेड अब जब हम इसको सब्ट्रैड करेंगे तो वहाँ टेन रुपीज़ आया है टेन रुपीज़ आया है हमारा प्रॉफिट इफ सेकेंड कंडीशन इज इफ सी पी इज इक्वल टू एस पी अगर जितने में लाया है चीज़ इतने में ही बेच दिया तो वहाँ नीदर देर इज़ द दे लॉस नार देर इज़ द दे प्रोफिट नीदर देर इज़ नीदर देर इज नो नीधर देर इज नो लॉस नो गन जिसको हम शार्ट में कहते हैं नो लॉस नो गन यहाँ लॉस हुआ न गेन हुआ न प्रॉफिट आया न लॉस होगा अगर इफ थर्ड कंडीशन है इफ एस पी ग्रेटर देन इफ सी पी ग्रेटर देन एस पी इफ सी पी ग्रेटर देन एस पी अगर सी पी ज़्यादा होगा एस पी कम मीन्स कि अगर हमारे पास सिक्स हंड्रेड रुपीज़ था कास्ट प्राइस अब हमने इसको बेच दिया है फाइव हंड्रेड नाइन्टी में तो सी पी आया है ज़्यादा एस पी आया है कम सो यू मेड ए लॉस तो लॉस किसके बराबर है अब लॉस लॉस किसके बराबर है लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी तो ये बात याद रखना होगा सी पी माइनस एस पी अगर आपको प्रॉफिट निकालना होगा तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको मालूम होना चाहिए एस पी सेलिंग प्राइस एंड सी पी मीन्स प्राइस सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वहाँ आएगा प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ आएगा लॉस सो so, ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी होगी अगर सी पी लेस देन होगा एस पी से यानी कास्ट प्राइस लेस देन होगा सेलिंग प्राइस से तो वहाँ प्रॉफिट है अगर कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बराबर होगा तो वहाँ नो लॉस नो गेन अगर सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस ग्रेटर होगा सेलिंग प्राइस से वहाँ होगा लॉस तो लॉस इज़ इक्वल टू सी पी माइनस एस पी अगर हम इसी कंडीशन में ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे ये यहाँ मतलब इसमें इसमें प्रॉफिट आ रहा है इसमें आ रहा है प्रॉफिट अगर देखेंगे हम कास्ट प्राइस सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ का कास्ट प्राइस है सेवेंटी टू सेवेंटी टू रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है एटी एटी रुपीज़ अब यहाँ देखना होगा कि यहाँ लॉस या प्रॉफिट क्योंकि यहाँ सी पी इज़ ग्रेटर देन सी पी इज़ लेस देन एस पी यहाँ सी पी एस पी से कम है इसीलिए यहाँ प्रॉफिट है अब प्रॉफिट किस तरीके से आप निकालोगे प्रॉफिट इज इक्वल प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी एस पी मीनज एस पी यहाँ एटी रुपीज़ है सी पी मीनज सेवेंटी टू यहाँ एट रुपीज़ हमें प्रॉफिट आया है यानी ज़्यादा हमें आया है एट रुपीज़ तो अब लास्ट क्या है अगर कास्ट प्राइस 120 हंड्रेड होगा किसी भी आइटम का तो हम इसको सेल करते हैं सिर्फ हंड्रेड रुपीज़ में तो यहाँ सी पी इज़ ग्रेटर देन एस पी सी पी बड़ा है एस पी में तो एस पी से ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है तो यहाँ लॉस है अब लॉस किस तरीके से हम निकालेंगे सी पी माइनस एस पी सी पी माइनस एस पी सी पी वन हंड्रेड ट्वेंटी माइनस एस पी हंड्रेड वहाँ रहा ट्वेंटी ट्वेंटी रुपीज़ हमें लॉस हो रहा है क्योंकि कास्ट प्राइस इसका था वन हंड्रेड ट्वेंटी हमने इसको हंड्रेड में ही बेच दिया तो लाजिम सी सिंपली यह बात समझ में आ जाती है कि जब वन हंड्रेड ट्वेंटी का चीज था तो हंड्रेड में बेच दिया तो वहाँ लॉस हुआ ट्वेंटी तो मैथमेटिकली आपको इस तरीके से याद रखना होगा कि इफ सी पी अगर कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होगा सेलिंग प्राइस से वहाँ लॉस है अब लॉस निकालने के लिए एक फार्मूला है दैट इज़ कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस तो प्राइस के हवाले से हम क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं इस तरीके से यानी हम देखते हैं कॉस्ट प्राइस फिर देखते हैं सेलिंग प्राइस फिर हम अगर कॉस्ट प्राइस तो कम होगा सेलिंग प्राइस से तो वहाँ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट तो को निकालने के लिए हम करते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लॉस को हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस वहाँ लॉस हम निकालते हैं अब एक और चीज़ है क्वांटिटीज़ uh, के हवाले से ही क्योंकि कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ इसमें है अब प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट अब देखेंगे हम कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट किस तरीके से हम निकालते हैं फॉर एक्जाम्पल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज प्रॉफिट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज परसेंटेज और परसेंट प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट और लास्ट परसेंट में हम देखते हैं अगर हमारे पास कोई भी टॉय हमने लाया है इसकी कास्ट प्राइस है सेवेंटी टू रुपीज़ सेलिंग प्राइस है इसका एटी रुपीज़ तो हमने कास्ट प्राइस 72 टू सेवनटी टू रुपीज़ है इसका कास्ट प्राइस और एटी परसेंट एटी है इसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस सेवेंटी टू एटी है इसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस सेवनटी टू एटी मीन सेलिंग प्राइस अब हम ये देखेंगे यहाँ प्रॉफिट है या लॉस है तो इफ़ सी पी इज़ ग्रेटर देन एस पी सी पी तो ग्रेटर है सी पी इज़ लेस देन एस पी सी पी कम है एस पी ज़्यादा है तो वहाँ प्रॉफिट है अब प्रॉफिट किसके बराबर है आपने पढ़ा है प्रॉफिट मीनज एस पी माइनस सी पी एस पी माइनस सी पी तो एस पी मीनज एटी सी पी मीन सेवेंटी टू यहाँ हो गया एट तो एट हमारा प्रॉफिट आया है. अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या है हमें क्योंकि प्रॉफिट दे एक तो हम नंबर में प्रॉफिट देखते हैं नंबर मीन्स क्वान्टिटी मीन्स कंपेयर करते हैं और दूसरा हम देखते हैं परसेंटेज के हवाले से क्वांटिटीज को हम कंपेयर करते हैं परसेंट जो आपने पिछले लेक्चर में सीखा है तो अब हम देखेंगे प्रॉफिट परसेंट क्या है प्रॉफिट परसेंट मीन्स ये आपको याद रखना होगा प्रॉफिट प्रॉफिट जितना है प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय सीपी पी मीन्स कास्ट प्राइज इंटू हंड्रेड अब यहाँ देखिए एट हो गया प्रॉफिट डिवाइड बाई सी पी कास्ट प्राइज सेवेंटी टू इंटू हो गया हंड्रेड चूँकि हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है एट वन हजार एट एट नाइन ज़ार सेवेंटी टू देट इज़ यहाँ आया हंड्रेड डिवाइड बाई नाइन हंड्रेड को जब हम नाइन से डिवाइड करेंगे हंड्रेड को जब हम नाइन से डिवाइड करते हैं तो वहाँ आता है अलेवन वन पॉइंट नाइन परसेंट सो हमारा प्रॉफिट परसेंट आया है अगर हमें प्रॉफिट एट है तो प्रॉफिट परसेंट आया है अलेवन वन पॉइंट नाइन अलेवन प्लस वन पॉइंट नाइन परसेंट अगर सीपी है किसी भी चीज का वन हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज वन हंड्रेड ट्वेंटी लेकिन सेलिंग प्राइस इसका है हंड्रेड हमने चीज लाया है कोई भी चीज वन हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज में लेकिन बेच दिया इसको हंड्रेड में अब यहाँ क्या है यहाँ इफ द सी पी इज ग्रेटर देन एस पी अगर सी पी एस पी से बड़ा है तो वहाँ क्या है लॉस तो यहाँ देखिए सी पी लॉस लॉस अब क्या है लॉस मीन सी पी माइनस एस पी चूँकि सी बड़ा है एस से वहाँ लॉस है तो सी कितना है सी पी मीन्स वन हंड्रेड ट्वेंटी माइनस एस कितना है हंड्रेड विच इज़ इक्वल टू ट्वेंटी अब यहाँ ट्वेंटी रुपीज़ लॉस है क्योंकि हंड्रेड ट्वेंटी में हमने चीज़ को खरीद लिया है और बेच दिया है हंड्रेड पर ट्वेंटी रुपीज लॉस है अब हमें यहाँ देखना है कि लॉस परसेंटेज क्योंकि हम एक तो देखना होगा कि लॉस कितना है और दूसरा देखना है प्रॉफिट कितना है प्रॉफिट मीन्स एस पी माइनस सी पी लॉस मीन्स सी पी माइनस एस पी अब लॉस परसेंटेज क्या है लॉस जितना लॉस है लॉस डिड बाई सी पी लास्ट डिवाइड बाई सी पी इंटू हंड्रेड लॉस डिवाइड बाई सी पी इंटू हंड्रेड और लॉस यहाँ कितना आया लॉस यहाँ ट्वेंटी रुपीज़ है डिवाइड बाई सी पी सी पी मीन्स वन हंड्रेड ट्वेंटी यहाँ कास्ट प्राइज वन हंड्रेड ट्वेंटी है इंटू मीन्स हंड्रेड दैट इज जीरो एंड जीरो गेट्स कैंसल टू टू सिक्स जै ट्व टू फाइव जै टेन टू थ्री हज़ार सिक्स टू टेन हजार ट्वेंटी टेन इंटू फाइव हो गया फिफ्टी फिफ्टी डिवाइड बाई थ्री अब हम फिफ्टी को थ्री से डिवाइड करेंगे फिफ्टी डिवाइड बाई थ्री फिफ्टी डिवाइड बाई थ्री जब हम सॉरी ट्वेंटी यहाँ क्या है लास्ट इज़ ट्वेंटी ट्वेंटी डिवाइड बाई सी पी वन हंड्रेड ट्वेंटी जीरो जीरो गेट एक बार फिर देखेंगे हम यहाँ हो गया लास्ट डिवाइड बाई सी पी लास्ट मीन्स ट्वेंटी डिवाइड बाई सी पी मीज़ वन हंड्रेड ट्वेंटी इन्टू हो गया हंड्रेड दिस जीरो एंड दिस जीरो गेट्स कैंसिल यहाँ टू सिक्स आर ट्वेल्व टू फाइव आर टेन ओके टू थ्री आर सिक्स टू टेन आर ट्वेंटी टू टेन आर ट्वेंटी हाँ टू टेन फाइव आर हो गया फिफ्टी फिफ्टी डिवाइड बाई थ्री अब हम फिफ्टी को थ्री से डिवाइड करेंगे यहाँ हो गया थ्री वन हजार थ्री फाइव में से थ्री टू यहाँ आएगा ज़ीरो थ्री सिक्स हज़ार एटीन नीचे आया टू इट मीन्ज इट इज़ थ्री ट ये हो गया लास्ट परसेंटेज अब यहाँ इस लेसन से हमें ये बातें मालूम हो गई कि हाउ वी कैन कंपेयर द क्वांटिटीज, वी कंपेयरिंग द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एंड वई कम्पेयरिंग द कॉन्टिटीज़ इन टर्म्ज रेशोज वी कंपेयरिंग द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन वीई कम्पेयरिंग द कॉन्टिटीज़ इन टर्म्ज ऑफ profit, we comparing the quantities in terms of loss, we comparing the quantities in terms of uh, uh, selling price or the uh, cost price, we term comp uh, we uh, comparing the quantities in terms of a profit percentage or loss percentage of dear students. Uh -huh. मैंने आपको दिखाया कि प्रॉफिट किस तरीक़े से आपको निकालना होगा प्राइस के हवाले से प्रॉफिट जब निकालोगे आप आपको मालूम होना चाहिए एसपी सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस माइनस करेंगे हम वहाँ प्रॉफिट आएगा और कास्ट प्राइस में से अगर ज़्यादा होगा तो सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे वहाँ लॉस आएगा जब प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको प्रॉफिट डिवाइड बाई सी पी इंटू हंड्रेड फार्मूला इस्तेमाल करनी होगी और लॉस्ट परसेंटेज निकालने के लिए आपको लॉस डिवाइड बाई सीपी इंटू हंड्रेड निकालना होगा सो दिस इज द चैप्टर प्रग टू मैथ क्लास सेवंथ दैट वॉज द कंपेयरिंग क्वांटिटीज थैंक यू वेरी मच